हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आइए देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और किस तरह के विचार इस पर्सन के मन में आ रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या है इस पर्सन की सोच। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, आपको बता दूं रीडिंग जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस है, सभी जोडिक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सब देख सकते हैं। ओके, हमने ये आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं द एम्परर, द हैंग्ड मैन, जजमेंट एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इन कार्ड्स में एक ऐसे पर्सन की एनर्जी नज़र आ रही है जो इंसान अपने गुस्से, ईगो और घमंड की वजह से अपने में ही खोकर रह गया है। ये पर्सन एक अच्छा लीडर है, फिर भी इस पर्सन को आपके लिए जो फीलिंग्स महसूस होती हैं, ये पर्सन आपको बता नहीं रहे, जता नहीं रहे। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को अपने ही मन में दबाए हुए हैं। इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप अगर इस पर्सन से प्यार करते हैं तो पहल आपको करनी है, तो इस वजह से आपका रिश्ता काफ़ी डिले हो रहा है और इसमें जो मूवमेंट नहीं हो रही है वो इसीलिए क्योंकि ये पर्सन सोच विचार में लगा है। इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन इस वक्त अपने आसपास जो भी इस पर्सन के लोग हैं उनके लिए कुछ करें और एक्शन लेने के लिए ये पर्सन हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे कोई भी हो। पर आपकी जब बात आ रही है तो ये पर्सन आपको ईगो शो कर रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं, पर आपके लिए कुछ कर नहीं रहे, जिसकी वजह से आप काफ़ी नाराज़ हैं इस पर्सन से। ये पर्सन एक ऐसा व्यक्ति है जो इस रिश्ते में एफर्ट्स डाल सकता है, पर इस वक्त ये पर्सन डाल नहीं रहा। ये पर्सन अगर आपसे बात नहीं कर रहा तो इसी वजह से नहीं कर रहा, क्योंकि इस वक्त इस पर्सन को कुछ ज़्यादा ही घमंड है खुद पर। ये पर्सन इस घमंड में बैठा है कि इस पर्सन की लाइफ में जितने भी लोग हैं इस पर्सन की मानते हैं, पर आप इस पर्सन के अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हैं। ये पर्सन जो आपसे चाहते हैं वो आप वो नहीं करके, जो आपके मन में होता है आप वो करते हैं। इसीलिए पर्सन इस रिश्ते में एफर्ट्स तो डालना चाहता है पर डाल नहीं रहा। इस वक्त इस पर्सन का पूरा फोकस अपनी फैमिली, अपने करियर पर नज़र आ रहा है, अपनी स्टडी पर नज़र आ रहा है। पर आपको जजमेंट चाहिए तो आपको जजमेंट मिलेगा, क्योंकि यहाँ जजमेंट का कार्ड भी है। एट ऑफ पेंटिकल्स इस बात को बता रहे हैं कि इन फ्यूचर ये पर्सन इस रिश्ते के लिए कुछ करेगा जब इस घमंड और ईगो से बाहर आएगा। अभी तो फिलहाल इस पर्सन का माइंड हैंग होकर रह गया है, काफ़ी कंफ्यूज है ये पर्सन कि क्या करे और क्या ना करे, इसीलिए इस पर्सन ने अपना माइंड अपनी फैमिली और अपने करियर पर डाइवर्ट कर दिया है। ओके व्यूअर्स, यदि आपकी रीडिंग आई होप आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।